नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटनाक्रम करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी से लेकर सितंबर 2022 के संस्करण के में से खेल परिदृश्य का वीडियो आपके लेकर आए हैं, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनको उस पार्ट में हम देखते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला वीडियो। खेल परिदृश्य यानी स्पोर्ट्स करंट अफेयर। पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंगम में किया गया था। 22वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंगम में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का स्थान रहा था चौथा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत का स्थान चौथा रहा था, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर भारत ने 61 मेडल जीते और भारत चौथे स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? भारत ने सर्वाधिक पदक कुश्ती यानी कि रेसलिंग में जीते थे, 6 यहाँ पर गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल और कुल जीते हैं 12 मेडल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के शुभारंभ में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना था? भारतीय दल का ध्वजवाहक बने थे यहाँ पर पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या रखा गया था? शुभंकर रखा था पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? 72 टीमों ने से लिया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था, इस वजह से ये कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार कौन से खेल शामिल किए गए थे? पहली बार इसमें महिला क्रिकेट और बास्केटबॉल 3x3 बास्केटबॉल इसमें शामिल किया गया था पहली बार। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का मोटो यानी कि ध्येय वाक्य क्या रखा गया था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन सर्वाधिक बार किस देश ने किया है? कॉमनवेल्थ गेम्स का सर्वाधिक बार आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया था, भारत ने इसका आयोजन 2010 में किया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इसका आयोजन कब किया था आखिरी बार? भारत ने इसका आयोजन आखिरी बार 2010 में किया था और भारत इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 वाले में दूसरे स्थान पर रहा था भारत। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला स्वर्ण पदक भारत को किसने दिलवाया था? पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में दिलवाया था भारत को। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे युवा एथलीट कौन था? सबसे युवा एथलीट भारत की ओर से अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने खेल शामिल किए गए थे? इसमें 20 खेल शामिल किए गए थे। 20 खेलों की कितनी स्पर्धाएं शामिल थी कॉमनवेल्थ गेम्स में? 20 खेलों की 280 स्पर्धाएं शामिल थी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में? भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता यहाँ पर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता और तीसरे स्थान पर रहा था। स्वर्ण पदक इंग्लैंड जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराया था, यानी कि इंग्लैंड जीता है यहाँ पर गोल्ड मेडल और भारत को मिला था यहाँ पर कांस्य पदक महिला हॉकी। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था फाइनल मैच में, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-0 से हरा दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है यहाँ पर गोल्ड मेडल और भारत ने जीता है सिल्वर मेडल। पहली बार शामिल किए गए महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता था? पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था महिला क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में 9 रन से हरा दिया था। नेक्स्ट, समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने थे? राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक निकहत जरीन और शरत कमल। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन के महिला वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलवाया था? भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था यहाँ पे पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट, पुरुष वर्ग में बैडमिंटन में भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक किसने दिलवाया था पुरुष वर्ग में और बैडमिंटन में? लक्ष्य सेन ने, महिला वर्ग में पीवी सिंधु ने। शरत कमल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, इनका संबंध किस खेल से है शरत कमल का? तो शरत कमल का संबंध है टेबल टेनिस से।
नेक्स्ट, भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने किसने दिलवाए थे? तो यहाँ पर आपको याद रखना, तीन भारत ने मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल मुक्केबाजी में, अमित पंघाल, निखत जरीन, नीतू घंघास। एथलेटिक्स में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलवाया था? एथलेटिक्स में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक एल्डोस पॉल ने दिलवाया था। नेक्स्ट, पैरा टेबल टेनिस में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलवाया था? पैरा टेबल टेनिस में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भावीना पटेल के द्वारा गोल्ड मेडल दिलवाया गया था। पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक भारत को सुधीर के द्वारा दिलवाया गया था। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारोत्तोलन में भारत को मीराबाई चानू ने, जो कि सबसे पहला दिलवाया था मेडल, फिर जर्मी लाल रेणुका और अचिंता शेवलू के द्वारा भारत को भारोत्तोलन में तीन स्वर्ण पदक दिलवाए गए थे। नेक्स्ट, विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में अपेक्षा फर्नांडिस, जो कि 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में आठवें स्थान पर रही थी। नेक्स्ट, AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। नेक्स्ट, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है वर्तमान में? ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। खेल दिवस कब मनाया गया हाल ही में? खेल दिवस मनाया गया था 29 अगस्त को। नेक्स्ट, यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट यानी यूएफा में, जिसे कहते हैं यूएफा, उसमें पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है जो खेलने वाली है? मनीषा कल्याण, जो कि ऑल इंडियन फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इसको बेस्ट वुमेन्स प्लेयर का अवार्ड भी इनको दिया गया है, मनीषा कल्याण। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के किस सीज़न का आयोजन किया गया था? डूरंड कप के 131वें सीज़न का आयोजन हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में AIFF का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल का अवार्ड सुनील छेत्री को दिया गया है। नेक्स्ट, किस क्रिकेट खिलाड़ी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, इनको चुना गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? आपको पहले बता चुके हैं, भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा था, कुल 61 पदक भारत ने जीते थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फिडे FIDE का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष अध्यक्ष हैं और केडी वोर्कोविच, जबकि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बने हैं फिडे के उपाध्यक्ष हाल ही में। नेक्स्ट, भारत के 75वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हाल ही में? 75वें चेस ग्रैंड मास्टर भारत के लिए बने हैं वी प्रणव। नेक्स्ट, 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आयोजित, पहली बार भारत में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के ओपन श्रेणी में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा था? उज्बेकिस्तान यहाँ पर 44वें शतरंज ओलंपियाड में पहले स्थान पर रहा था, जबकि भारत का स्थान रहा था तीसरा। नेक्स्ट, 9 अगस्त को सेरेना विलियम्स के द्वारा टेनिस से संन्यास की घोषणा की गई है, उनका संबंध किस देश से है? सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी महान, अमेरिका से इनका संबंध है। नेक्स्ट, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? T20 एशिया कप 2022 का आयोजन आपको बताते हैं, इनका आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन देश में अस्थिरता के चलते इसको UAE में स्थानांतरित कर दिया गया था, और इसका हाल ही में फाइनल खेला गया था, भारत इसमें जीता है। श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर T20 एशिया कप को जीत लिया है। नेक्स्ट, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के द्वारा। नेक्स्ट, 2025 में होने वाले ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? ICC वुमेन ODI वर्ल्ड कप भारत को इसकी मेजबानी मिली है, 2025 में होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? स्पिनर में तो मुरलीधरन शेन वॉर्न आ रही हैं, लेकिन तेज गेंदबाज कौन बने सबसे अधिक विकेट लेने वाले? वो बने हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है? इसका आयोजन 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 को होना है कतर में, और इसकी आधिकारिक स्पॉन्सर जो है वह बायजूस को चुना गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में आयोजित
69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, और भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है यह खिताब। ओके, नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में किया गया था, और इनका आयोजन 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 इसमें पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, और इसका आयोजन भी यूएसए के यूजीन ओरेगन में किया गया था, जबकि भारत का स्थान रहा यहाँ पर 33वां। एकमात्र पदक भारत ने जीता है सिल्वर मेडल के रूप में भारत, और वो जीता है नीरज चोपड़ा के द्वारा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर ये स्क्रीन है, इसमें पहले स्थान पर रहा है यूएसए जो कि 33 कुल मिला के पदक जीते थे, 13 जिसमें गोल्ड हैं, और भारत 33वें स्थान पर आया था। एकमात्र पदक भारत ने जीता है यहाँ पर सिल्वर मेडल, और 33वें स्थान पर आया। नेक्स्ट, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? आंसर राइट है नोवाक जोकोविच, और इससे पहले जो दो और ग्रैंड स्लैम हुए थे, फ्रेंच ओपन 2022 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, दोनों को ही विजेता है राफेल नडाल, जबकि विंबलडन को जीता है नोवाक जोकोविच के द्वारा। नेक्स्ट, विंबलडन 2022 में महिला वर्ग में विजेता कौन बना है? महिला वर्ग में विजेता है ई रिबाकिना, और जबकि जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें ईगा स्वेटॉक, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल की शुरुआत में हुआ था उसमें एस्ले बार्टी पहले स्थान पर थी, और एस्ले बार्टी ने टेनिस से संन्यास भी ले लिया है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड के सुनील गावस्कर। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष व महिला क्रिकेटरों को बराबर मैचेस देने का निर्णय लिया है? आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन आपको पहले बता दिया गया है, इसका आयोजन UAE में किया गया था, और इसको प्रस्तावित था श्रीलंका में, जबकि इसको UAE में स्थानांतरित किया गया था। फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया है T20 एशिया कप। नेक्स्ट, फॉर्मूला वन रेस ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता है? फॉर्मूला वन ग्रैंड प्री फ्रेंच ग्रैंड प्री मैक्स वेरस्टपन। ओके, नेक्स्ट, स्पेन व नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है नीदरलैंड। नेक्स्ट, मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है उनका संबंध किस खेल से था? मिताली राज का संबंध था क्रिकेट से, और सबसे ज़्यादा रन बनाने की जो लिस्ट में सबसे ऊपर है मिताली राज, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक प्रमुख रन स्कोरर हैं। इसके साथ साथ अभी हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के द्वारा भी संन्यास की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट, पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखारा के द्वारा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का विजेता कौन बना है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का विजेता बना है यहाँ पर हरियाणा, इसका आयोजन किया गया था पंचकूला हरियाणा में ही, और विजेता बना है हरियाणा। सबसे पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में आयोजित हुआ था जिसमें हरियाणा विजेता रहा था, दूसरा पुणे महाराष्ट्र में हुआ था जिसका विजेता महाराष्ट्र है, तीसरा गुवाहाटी असम में हुआ था जिसका भी विजेता महाराष्ट्र रहा था लगातार दो बार, और अब फिर से चौथा जो हुआ है पंचकूला हरियाणा, उसको फिर से हरियाणा पहले स्थान पर रहा है, और अब जो पाँचवा संस्करण है वो भोपाल में होना है मध्य प्रदेश में 2022 के इस अंत में होना है। नेक्स्ट, भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा के द्वारा कितने मीटर का भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर के द्वारा हाल ही में 89.30 मीटर का थ्रो फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके अलावा 7 अगस्त 2021 को उन्होंने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक भी जीता था भारत के लिए एकमात्र। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कतर को मिली है जो कि इसका आयोजन नवंबर 2022 में होना है, ऑफिशियल स्पॉन्सर भारत की ओर से बायजूस है इसका, जबकि 2026 की मेज़बानी किस देश को मिली है? 2026 की फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमेरिका मैक्सिको कनाडा तीन देशों को मिलाकर दी गई है यहाँ पर, ये अमेरिका मैक्सिको कनाडा। नेक्स्ट,
भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर है वर्तमान में? भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में वर्तमान में 104वें स्थान पर है, जबकि ब्राजील शीर्ष स्थान पर और बेल्जियम दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2022 जो कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट है भारत का, इसका विजेता कौन बना है 2022 के संस्करण का? आंसर है मध्य प्रदेश, और फाइनल में मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। नेक्स्ट, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या रखा गया था? 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर रखा गया था थम्बी, जबकि इसको जीत लिया गया है उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर रहा था, नंबर दो पे आर्मेनिया, तीसरे स्थान पर भारत रहा था। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन नवंबर 2021 में होना था, लेकिन कोविड के चलते इसको एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में होना है। नेक्स्ट, किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है? महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आंसर है भारत, और इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक कांस्य पदक विजेता जो कि आईबीए की एथलीट समिति का उनको अध्यक्ष बनाया गया है, उनका क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन, टोक्यो कांस्य पदक विजेता भी हैं लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट, सितंबर 22 में आयोजित 19वें एशियन गेम्स को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इनका आयोजन 2022 सितंबर में होना था, लेकिन अब इनको 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इनका आयोजन कहां पर होना है? 19वें एशियन गेम्स आयोजन इनका चीन के हुआंगझोउ में होना है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का विजेता रहा है हरियाणा, शुभंकर क्या था इसका? शुभंकर रखा गया था धाकड़। नेक्स्ट, मैड्रिड ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? मैड्रिड ओपन टेनिस 2022 कार्लोस अल्कराज, जबकि महिला वर्ग में ओंस जोबेउर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, पहली बार भारत ने जीता है थॉमस कप 2022 का विजेता कौन बना है? थॉमस कप जो कि बैडमिंटन का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जो कि भारत ने पहली बार जीता है इंडोनेशिया को फाइनल में हराकर, भारत विजेता बना है इसका, और इंडोनेशिया को इसने फाइनल में हराया था, थॉमस कप 2022। नेक्स्ट, इटालियन ओपन 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने थे? इटालियन ओपन नोवाक जोकोविच, महिला वर्ग में ईगा स्वियातेक। नेक्स्ट, पुरुष वर्ग में होता है थॉमस कप, तो महिला वर्ग में होता है बैडमिंटन के अंदर उबेर कप 2022, इसकी विजेता बने हैं दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 निखत जरीन, चर्चा में रही थी निखत जरीन, और ऐसा करने वाली वो भारत की पांचवी महिला बनी है। इससे पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल, लेखा केसी के बाद पांचवी महिला बनी है वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली। नेक्स्ट, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप ओडिशा ने जीता है, कर्नाटक को 2-0 से फाइनल में हराकर। नेक्स्ट, भारतीय शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है जिन्होंने विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराया है ऑनलाइन चेस के अंदर? आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया था, और विजेता बना है हरियाणा, धाकड़ इसका शुभंकर रहा था, और भोपाल मध्य प्रदेश में इसके पांचवें संस्करण का आयोजन होना है 2022 के अंत में। नेक्स्ट, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत का क्या स्थान रहा था? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था, और भारत के लिए निखत जरीन ने यहाँ पर एक गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट, किस भारतीय ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है लवलीना बोरगोहेन को, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है, टोक्यो ओलंपिक जिसमें भारत का स्थान रहा था 48, आपको याद होगा, भारत ने यहाँ पर 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज कुल 7 मेडल भारत ने जीते, और भारत 48वें स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका रहा था। भारत की ओर से कुल जो 7 मेडल जीते गए थे टोक्यो ओलंपिक में, एक बार उनको नज़र डाल लेते हैं, भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलवाया था नीरज चोपड़ा के द्वारा जैवलिन थ्रो के अंदर,
और दो भारत ने जीते थे सिल्वर मेडल, जिसमें एक मीराबाई चानू ने भारत को दिलवाया था सिल्वर मेडल और एक रवि कुमार दहिया ने भारत को दिलवाया था सिल्वर मेडल। उसके बाद भारत ने चार इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, जिसमें एक पीवी सिंधु बैडमिंटन पहला, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल, और बजरंग पूनिया इन्होंने भारत को दिलवाया था रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल। तो कुल भारत ने 7 मेडल जीते और भारत रहा था 48वें स्थान पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का फाइनल का विजेता कौन बना था? आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का गुजरात टाइटंस, पहली बार इस आईपीएल में खेल रही थी गुजरात टाइटंस और इन्होंने आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया था। नेक्स्ट, आईपीएल 2022 में पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट का अवार्ड किसे मिला था? पर्पल कैप युजवेंद्र चहल 27 विकेट। नेक्स्ट, आईपीएल 2022 के ऑरेंज कैप यानी कि सर्वाधिक रन का अवार्ड किसे मिला था? जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज थे, 863 रन बनाए थे इन्होंने। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को किसने जीता है? इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, आंसर है दक्षिण कोरिया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता था? दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर आया था और भारत जीता यहाँ पर कांस्य पदक, भारत तीसरे स्थान पर आया था, भारत ने जापान को हराया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 पुरुष वर्ग के विजेता, फ्रेंच ओपन हो या ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों के विजेता रहे राफेल नडाल। महिला वर्ग में ईगा स्वेटक। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन बना था? रॉनी ओ सुलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना था? महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 इसका विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया, प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में विजेता कौन बना था? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में विजेता बना था भारत और भारत ने इस ट्रॉफी को 5वीं बार जीता है। इससे पहले भारत 2008, 2012, 2018 में ट्रॉफी जीत चुका है, 5वीं बार भारत ने जीता है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को। नेक्स्ट, भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है जयपुर राजस्थान में, जबकि इससे पहले भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पूर्व में मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर 132,000 दर्शकों की क्षमता है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 का पुरुष वर्ग के विजेता है राफेल नडाल, महिला वर्ग में एसले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है टेनिस से। जनवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में कौन विजेता रहा था? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत विजेता रहा है और अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में भी भारत विजेता रहा था। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ये थे हमारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर की वीडियो जो कि हमारा जनवरी से लेकर सितंबर 2022 तक का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ आपको सारे पीडीएफ्स के लिंक अवेलेबल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।